ये लोग सही वकील में रखते बच्चा बहुत कैजुअली रिपोर्टिंग है मेरे को बोलने के लिए कहेंगे क्या है मसला है बिल्डिंग गिरने का, कैसे हुआ और क्या हुआ ये बताइए। हम लोग घर पे अपने सो रहे थे, सुबह में 5 बजे फोन आता है, सुबह 5 बजे फोन आने के बाद हम लोग यहाँ पे पहुंचे तो फायर ब्रिगेड पुलिस वगैरह कोई भी आए नहीं थे। स्थानीय लोगों ने बहुत काम किया और जो इंजर्ड लोगों को निकाला और फिलहाल जो बाजू का रूम था उसके भी लोग जख्मी हुए, उसको भी निकाला गया। बाजू के रूम के 4 से 5 लोग जख्मी हुए और जो घर गिरा है वो घर के 4 लोग ऑफ हो गए। जो भी स्थानीय लोगों ने मेहनत किया वो बहुत काफी हद तक काम आई और इसका एक ही सोल्यूशन है सर, जहां तक हमारे समझ में आता है कि बृहन्मुंबई महानगर पालिका बिल्डिंग फैक्ट्री डिपार्टमेंट जो यहां का है वो इतना भस्म हो चुका है कि आंखों के ऊपर पट्टी बांध के रखा है और इनलीगल अवैध निर्माण यहां के मुंबई महानगर पालिका के अधिकारी पैसा लेकर के कराते हैं। मेरी आपके माध्यम से गुजारिश है कि यहां के मुंबई महानगर पालिका के जो अधिकारी है उनके ऊपर हत्या का मुकदमा होना चाहिए। ये अधिकारी है कि अभी चीटी चक्कर गिरती है तो चीटी बराबर आती है। हर अधिकारी महानगर पालिका आकर के 3-3 माला जो कि 14 फीट से ज्यादा अप्रोच नहीं है, लेकिन ये 3-3 माले का पैसा लेकर के रूम बनवाते हैं और अपने घर में आराम से रहते हैं, यहाँ जनता मरती है। आपके माध्यम से मेरी बीएमसी कमिश्नर साहब से गुजारिश है, मुंबई कमिश्नर से गुजारिश है, माननीय उद्धव ठाकरे साहब से गुजारिश है कि इन लोगों के ऊपर 302 का FIR होकर के इनके ऊपर केस होना चाहिए। चेक ही नहीं कर रहा, कोई नहीं कर रहा। इसके बाद पूरी बिल्डिंग में दौड़ने बस पट्टी कर रहे, ऐसे छोड़ रहे, बोले ये नहीं है यार घसड़ा है, ऐसी पूरा पैर सीख गए हैं। सो रहा था अचानक में पूरी दीवार मेरे आंख पे आ गई, पूरी आपस से मैंने उनको हटाया, मेरा भाई था इसको उन्होंने पूरी दीवार हटाया। अपने ऊपर आगे जाए 4 लोग 3-2 लोग वहाँ है, एक भाई है मेरा वो अभी यहाँ से, और बाजू के घर में भी बाजू घर भी गिरा तो उसका आइडिया नहीं है तो अभी आस्ते आस्ते वहाँ अभी कोई दबा हुआ अभी तो वो बाजू वाले घर का मालूम नहीं, हमारे घर का तो नहीं सब। अभी कितने लोग आपके घर के थे? 6 लोग है, उसमें तो 4 लोग, एक मैं मेरी बहन को ज्यादा लगा, एक मेरा भाई इधर ही है और एक भाभी को लगे। चलो भाई ठीक है।